हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है पीयूष भाई। कोई नहीं जानता तुझे, 600 सब्सक्राइबर है, 6 लाख नहीं। ऑल राइट, ठीक है। सो मेरा नाम है पीयूष और मुझे दो चीजों का बहुत ज्यादा शौक है और ये मेरा सपना भी है। पहला है घूमना फिरना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना, और दूसरी चीज है वो है वीडियो एडिटिंग। और मुझे सिर्फ इन जगहों को कवर करना पसंद नहीं है, मुझे यादें बनाना भी बहुत ज्यादा पसंद है, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और जब मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं तो मेरे पास कुछ तो रीजंस हो उस बुढ़ापे को काटने का। और बुढ़ापे में मैं इन वीडियोस और यादों को देख करके मैं इन दिनों को फिर से जीना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने दो चीज़ें स्टार्ट की हैं, एक तो घूमना फिरना एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस, और दूसरा इन यादों को एक डायरी की तरह एक लॉग में डाल करके संजो करके रखना। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा बने, और मैं जहां जहां भी घूमूं मैं चाहता हूं कि उन सब जगहों पे मैं आपको भी लेकर के चलूं। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो अगर मैं आज की बात करूं, आज इस वीडियो में बहुत 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 कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल होने वाला है? एक्चुअली दो चीज़ें बहुत स्पेशल है, पहली तो ओकेजन और दूसरा लोकेशन। ओकेजन की मैं अगर बात करूं तो आई एम एक्चुअली टर्निंग 30th और मैं अपना 30th बर्थडे मनाने वाला हूं। इस ब्लॉग में आपको उसका ग्लिम्स मिलने वाला है। और दूसरा लोकेशन, अब लोकेशन जो था वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है जहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ एक ऐसी लोकेशन ढूंढ पाऊं जो नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि मुझे अपना बर्थडे नेचर में मनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो थोड़ी ब्रेथ टेकिंग भी हो। सो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अचानक मेरी नज़र पड़ती है फेसबुक के एक पोस्ट पे, और मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि दिस इज़ द वन। वो पोस्ट कौन सी है आप भी देखो। Isn't this amazing? और जो थोड़ी बहुत मुझे डाउट थी कि मुझे इस जगह जाना चाहिए कि नहीं, वो भी कंफर्म हो जाता है जब मैं ये वाली वीडियो देखता हूँ। Coming this way. We were going on a hike around Constellation Lakes, and one of my guests noticed some rustling in the trees and then shouted out that they had spotted two big grizzly bears coming out of the bush. Keep walking. Nice and slow. Knowledge-wise, I knew exactly what I should be doing, but it is different than to put it into action. Wow! Can you imagine? आप पहाड़ों के बीच में हो, सुंदर लेक्स हैं, और आपके सामने से कोई किसी तरीके का जू नहीं, कोई किसी तरीके का पिंजरा नहीं, लेकिन आपके सामने से वाइल्ड एनिमल्स जा रहे हो। वैसे तो मुझे बहुत से जानवर पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दो जानवर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक तो शेर और दूसरा बियर। और यहाँ जब मैं ये पोस्ट देखा मैंने कि बियर आपके सामने बिना किसी पिंजड़े के ऐसे खुलेआम घूम रहा है, आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन। बस फिर क्या, मैं निकल पड़ता हूँ अपनी पुरानी यादों को लेकर के नई यादें संजोने और एक नए सफरनामे में।
कैलगरी। हाँ, 4-4.5 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद मैं पहुंच चुका था कैलगरी। लेकिन रुकिए, कैलगरी अपनी वो डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम जाने वाले थे। हमें तो अभी यहां से और 2 घंटे आगे जाना था। बस फिर हम पकड़ते हैं अपनी कैब और शटल और हम निकल पड़ते हैं अपने आगे जर्नी पे। किसी ने क्या खूब कहा है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मंजिल पे पहुंचने की एक अपनी सेटिस्फेक्शन तो नो डाउट होती ही है, लेकिन आप सबसे ज्यादा यादें और सबसे हसीन यादें उस सफर के दौरान बनाते हो जो हेल्प करता है आपको मंजिल पे पहुंचने तक। मुझे इन चीजों का रियलाइजेशन इस 2 घंटे के शटल जर्नी में होता है। बस फिर क्या, मैं लगाता हूँ ईयरफोन, बॉलीवुड के पुराने गाने और खिड़की से बाहर नज़ारों का लुफ्त उठाते हुए 2 घंटे कैसे कट जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। तो चलिए, ले चलता हूँ मैं आपको एक म्यूजिकल सीनिक रोड ट्रिप पे। फाइनली शटल से उतरने के बाद इन हसीन वादियों में वॉक करते हुए हम पहुंचते हैं अपने खाने की क्रेविंग को दूर करने। ऑर्डर करने के बाद जब खाना आता है तो उसके साथ आती है एक याद कि ये हमारा 30th बर्थडे भी है, वही मनाते हम यहाँ आए हैं। बस फिर क्या, केक हमारे पास था नहीं क्योंकि फ्लाइट से हम अभी उतरे थे, तो हमने सोचा कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगाएं। और बस फिर क्या, देखो हमने क्या काटा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Piyush, happy birthday to you। हाँ जी, तो क्योंकि 2 महीने से हमने चिकन विकन खाया नहीं था सावन की वजह से, आज टूटा है उपवास, तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं चिकन खाने। हमने मंगाई है गोट बिरयानी और चिकन का कोई पता नहीं टिक्के जैसा कुछ है, तो अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे क्योंकि 4 बजे की हमारी चेक इन है। यहाँ के होटलों में ये एक पंगा है कि 4 बजे से पहले आप चेक इन कर नहीं सकते, तो अभी बज रहे हैं लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो अभी 2 से 2.5 घंटे का बफर है हमारे पास। तो वही आए हैं, थोड़ा खाना वाना खा के पेट पूजा करके फिर हम लोग जाते हैं रूम में चेक इन वेकिन करके फिर निकलेंगे एक्सप्लोर। चिकन की केक कटिंग हो गई थी ख़त्म और फिर हम निकल पड़ते अपने रूम की तरफ। और इस बार हमने रूम भी कुछ ऐसा वैसा नहीं लिया, तो रूम के लिए भी हमने कुछ स्पेशल सा ही प्लान किया था। स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक हॉस्टल में रहने वाला था, और ये कोई ऐसा वैसा हॉस्टल नहीं था। आई थिंक टिल डेट मैं बहुत बड़े बड़े होटलों में भी रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी इतनी सुंदर लोकेशन वाले होटल में रुका होगा। आप खुद देख लो। होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने रूम। आपको एक छोटा सा रूम टूर भी दे देते हैं, देख लो कैसा है रूम। ये यहाँ का किचन हो गया, कॉमन किचन है वैसे ये। उसके बाद यहाँ ये हॉस्टल ही है, यहाँ से आप आगे जाओगे ये काफ़ी सारे प्राइवेट कमरे हैं, शेयर्ड वाले कमरे भी काफ़ी सारे हैं। ऐसा कुछ है रूम, ये रूम काफ़ी छोटा सा रूम है और काफ़ी बेसिक सा भी रूम है। एक बेड है, आईना है, ये व्यू यहाँ से पहाड़ का थोड़ा बहुत दिखता है, कुछ खास ऐसा व्यू भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही व्यू है, ठीक है। और फिर ये बाथरूम,
रूम से फ्रेशन अप हो करके मैं निकल पड़ता हूँ उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं इतनी दूर आया था, और वो क्या है? वो है मेमोरीज कलेक्ट करने, और सबसे ज़रूरी चीज़ बियर देखना। बट वेट, मैंने ओरिजिनल केक तो अभी काटे ही नहीं है, उसके बिना कैसे मन सकता है बर्थडे? तो बस फिर क्या, वादियों में निकल के मैं काटता हूँ अपने बर्थडे का दूसरा केक। स्पेशल बर्थडे केक फॉर माय 30th बर्थडे। और केक से ज्यादा बेहतरीन है नजारे। ऐसी जगह पे अगर आप केक काटो तो सोचो आप कैसा फील हो। देख लो भाई कहाँ जा रहे अपन। आपको अगर इससे सुंदर जगह मिल जाए तो फिर बताओ। बैकग्राउंड देखो और ये कोई वॉलपेपर नहीं है। अमेजिंग। पानी देख लो आप कितना क्लियर है, एक एक पत्थर दिख रही है अंदर की। अच्छा अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो पानी का कलर है यहाँ पे वो ब्लू नहीं है, ना ही वो ग्रीन है, वो एक अलग सा ही कलर है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन जिसको टर्कवाइज कलर बोलता है। और रीज़न इस कलर का ये है कि जब ठंड पड़ती है यहाँ पे तो ये जितने पहाड़ आपको पीछे दिख रहे हैं उन सब में ग्लेशियर्स और बर्फ़ बिल्कुल जम जाती है, और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वो बर्फ़ पिघल के और यही पानी के फॉर्म में बहता है। तो जब वो पिघलता है पानी तो पत्थरों से, क्योंकि वो घिस के आता है तो उसमें पत्थर के काफ़ी सारे पार्टिकल छोटे छोटे मिल जाते हैं जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा वो टर्कवाइज हो जाता है। मैं जब छोटा था तो मैं लिटरली हमेशा, अब हम लोग जब किताबें पढ़ते हैं किताबों में मैं काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स देखा करता था, ऐसे फ़ोटोज़ देखा करता था, और दिमाग में हमेशा मेरी ये सोच आता था कि सही में ऐसी जगहें हैं या फिर ये कोई इमेजिनरी पिक्चर है, किसी ने पेंट वेंट कर दिया। तो उस वक्त में ये चीज़ें बड़ी काल्पनिक सी लगती थी, लेकिन आज जब मैं वाकई में नेचर के इतने करीब बैठा हूँ, जब मैं अपने आँखों से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तब यकीन होता है कि नहीं वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं। और शायद जो वीडियोज़ आप देख रहे हो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी इसकी ब्यूटी को, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले मैंने बहुत से फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत सारी देखे, और मुझे देख के मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे पहले मनाली शिमला गया था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मनाली ही तो है, शिमला ही तो है, बिल्कुल उसी की कॉपी है बस कनाडा में। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत डाउन हो गई थी कि मैं शायद जो देख के आया हूँ वही देखने वाला हूँ यहाँ पे भी। बट जब मैं यहाँ के एक, जब पहला मेरा इम्प्रेशन, जो पहला मेरा नज़र पड़ा वो पहाड़ों पर, मतलब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो कैसी फीलिंग है, वो एक अलग ही यूनिक फीलिंग। और ट्रस्ट मी, फोटोज़ वीडियोज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती इसकी ब्यूटी को। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इन खूबसूरत वादियों में घंटों वर्क होने के बाद मैं काटता हूँ अपने बर्थडे का तीसरा केक। भाई 30th बर्थडे है तो कम से कम 3 केक तो बनता है। तो बस केक काटकर हम निकल पड़ते हैं वापस अपने रूम की तरफ। बट दिल में एक डिससेटिस्फेक्शन ये है कि मैं अपने बर्थडे पे इतनी दूर आया हूँ जिस चीज़ के लिए
उसमें से एक चीज तो पूरी हो गई लेकिन दूसरी अभी भी बाकी है, वो है सामने से बियर को एक्सप्लोर करना। बट द गुड पार्ट इज कि दिस इज ओनली द फर्स्ट डे आउट ऑफ आवर 4 days ट्रिप, तो अभी नेक्स्ट के 3 दिन तक हम और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे और उन सारी जगहों में बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है बियर को सामने से देखने का। तो लेट्स सी हम बियर देख पाते हैं कि नहीं। इस जर्नी में बने रहने के लिए करें मुझे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की डालूं आपको एक नोटिफिकेशन चली जाए। बट मिलते हैं आपसे जल्दी। Yeah.